एक और प्रहलाद और ये सभी बालक हैं जो दावा नल की तरह दहकते हिरण्यकश्यप के क्रोध के सामने भी प्रभु श्री विष्णु की भक्ति की लौ जलाए हुए, और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने अपने शक्ति शासन और प्रतिष्ठा को छिन जाने के भय से अपने भगवान का नाम स्मरण करना भी छोड़ दिया है। सत्य कह रहे देवताजी, आज लज्जा आ रही है हमें अपने आप पर, अपने देवता होने पर। पर प्रभु, जब हिरण्यकश्यप को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? ये जानने के लिए आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी देवी। सैनिक जाओ और प्रहलाद कुमार एवं गुरु पुत्रों को बुलाकर लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं कि वो दोनों मिलकर उसे क्या सिखा रहे हैं और वो क्या सीख रहा है उनसे। जो आज्ञा महाराज। इतनी शीघ्रता क्यों महाराज? अभी कुछ दिनों पहले ही तो गए हैं, और आप तो जानते हैं ना कि वेदाभ्यास करने में समय लगता है। आप सत्य कह रही हैं महारानी, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि उसका शिक्षा में मन लग भी रहा है या नहीं। ये कहिए ना कि उसके बिना आपका मन नहीं लग रहा है, और आप मुझसे कह रहे थे कि पुत्र वियोग में मैं दुखी होंगी, परंतु सत्य तो यह है कि अपने पुत्र का मुख देखे बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। आप सत्य कह रही हैं महारानी, प्रहलाद केवल मेरे मन का आह्लादी नहीं, मेरी आंखों की ज्योति है, मेरे अधरों की प्रसन्नता ही नहीं, वो मेरे हृदय की आशा भी है, विश्वास है, असुर वंश की जगमगाती कीर्ति पताका का भविष्य है, मेरे उस स्वप्न का जो मैंने मेरे भाई हिरण्याक्ष के साथ मिलकर देखा था। जब उस दुष्ट असुर को प्रहलाद की हरि भक्ति के बारे में ज्ञात होगा तो न जाने वो उस नन्हे से बालक के साथ क्या करेगा। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। ओम नमः नारायणाय। हरो हरो, मत करो ये सब। तुम सबको तनिक भी लज्जा नहीं आई गुरुकुल का नियम तोड़ते हुए? प्रहलाद ने सही कहा था गुरुजी, श्री नारायण का नाम स्मरण करने से ही बहुत शांति मिलती है, सभी चिंताओं से मुक्ति भी मिलती है और सारा भय भी मिट जाता है। बस बस, अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, जाओ यहाँ से। हाँ, सिर मत खाओ। प्रहलाद पुत्र, तुम भी चलिए गुरुजनों। कहाँ श्रीमान? राजमहल, और कहाँ जाओगे? महाराज ने आप दोनों को और राजकुमार को बुलाया है। प्रहलाद, पुत्र जैसा सिखाया वैसा ही बोलना, अपने पिताजी का ही जाप करना, नारायण का नाम मत लेना, कहना ओम हिरण्याय नमः, समझ गए? तो चलो। दया की मूर्ति विनयशील महारानी लीलावती के पुत्र त्रिलोक जय भगवान हिरण्यकश्यप के अंश असुर कुल भूषण राजकुमार प्रहलाद की।
असुर कुलभूषण राजकुमार प्रहलाद की जय। प्रणाम माँ। मेरा पुत्र प्रहलाद। प्रणाम पिताजी। त्रिभुवन के साम्राज्य से भी बढ़कर है पुत्र का ये आलिंगन। कहो पुत्र, गुरुजनों से स्नेह तो मिला ना तुम्हें? हाँ पिताजी, गुरुजनों ने बहुत प्रेम और धैर्य के साथ विद्याभ्यास कराया मुझे। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे इनसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। कुमार की विनयशीलता का वर्णन करना नितांत असंभव है महाराज। अहंकार तो लेस मात्र भी नहीं है महाराज, क्रोध का तो नाम तक नहीं है। खेल खेल में असत्य भाषण देना भी नहीं आता कुमार को। प्रत्यक्षम किम अनुमानम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो सामने है उसको ना अनुमान की आवश्यकता होती है और ना प्रमाण की। प्रहलाद, पुत्र वेद पाठ सीखा है तुमने, शास्त्रों का अध्ययन किया है ना? हाँ पिताजी, मैंने सारे वेद और शास्त्र कंठस्थ कर लिए हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। बच गए। पहला उत्तर तो सही दिया इसने, और इसने ये उत्तर भी दे दिया तो फिर मुझे वेदों का सार बताओ पुत्र। इसने इसका उत्तर भी दे दिया तो अर्थात नारायण का नाम ले लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। पुत्र प्रहलाद, जैसा हमने सिखाया था वैसा ही बताना। पुत्र कोई त्रुटि मत करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। प्रभु, अब प्रहलाद सब कुछ सत्य कह देगा। मुझे तो भय लग रहा कि हिरण्यकश्यप न जाने इस कोमल से बालक के साथ क्या करेगा। सभी वेदों का सार है आत्मनि खलवरे विज्ञात इदम सर्वम विदितम, अर्थात जब आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। उत्तम, अति उत्तम। देख रही हैं महारानी, हमारे पुत्र की स्मृति कितनी तीव्र है। हाँ महाराज, इतनी शीघ्र इतना कुछ सीख लिया। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ उसने उल्टा सीधा कुछ नहीं बोला। सत्य यही है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। हम सभी की उत्पत्ति का कारण श्री विष्णु ही है। हम सभी की हर श्वास उनकी कृपा से ही है, उनकी भक्ति से ही
हम सबका जन्म सार्थक होता है। हंस कर प्रहलाद, हंस कर प्रहलाद। मेरे शत्रु का गुणगान सुनाकर मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रहे हो तुम। गुरु पुत्रों, यही सिखाया तुमने मेरे पुत्र को? मेरे वैरी विष्णु की प्रशंसा करना? दानेश्वर, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। आपके चरणों की सौगंध महाराज, हमने शत्रु पक्ष के कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया राजकुमार को। इसमें गुरुजनों की कोई भूल नहीं है पिताजी। वे तो सदैव कहते हैं, इस संसार में सब कुछ आप ही हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भगवान हैं। पुत्र, यदि तुम्हें गुरुओं का वचन स्मरण है, भरी सभा में पिता को अनुचित उत्तर देकर इस प्रकार अपमानित क्यों किया? पिताजी को अपमानित करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता माँ, पर इन्हें प्रसन्न करने के लिए असत्य भी तो नहीं बोल सकता। महाराज मेरे पिता हैं, पर श्री विष्णु जगत पिता है माँ। हत्यारा है वो, हत्यारा है वो। छल से मेरे भाई की हत्या की है उसने। हत्या नहीं की पिताजी, अवतार लेके उद्धार किया है। वो मेरा शत्रु है प्रहलाद। आपका शत्रु आपके भीतर है पिताजी। भीतर? ये कैसे हो सकता है पुत्र? अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये अरिष्ट वर्ग ही हमारे सबसे बड़े शत्रु है माँ। इन पर विजय प्राप्त हो जाए तो सब और सुखी सुख हो और शांति ही शांति हो। कह तो सही रहा है बालक, किसी न किसी का शीश धर से अलग कर दिया जाएगा। हाँ। इसी के कारण पिताजी, मैं तो केवल सत्य बताकर आपको धर्म के मार्ग पर। मेरी राज्यसभा में चिर शत्रु की प्रशंसा हो, मैं ये सहन नहीं कर सकता। उस विष्णु के नाम तक को इस संसार से मिटाना होगा। मेरी राज्यसभा में चिर शत्रु की प्रशंसा हो, मैं ये सहन नहीं कर सकता। उस विष्णु के नाम तक को इस संसार से मिटाना होगा। पिताजी इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं माँ? इसी क्षण विष्णु का नाम जपना छोड़ दो प्रहलाद, अन्यथा तुम्हें भी वही दंड मिलेगा जो अन्य सभी को मिलता है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये हमारा पुत्र है, इसलिए इसका दायित्व और भी अधिक है महारानी। असुरों के विचार संस्कृति की रक्षा करनी ही होगी इसे। शत्रु और मित्र का भेद समझना ही होगा इसे। समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हट छोड़ दो ना कुमार। विष्णु भक्ति हट नहीं है माँ, ये तो जीवन का आधार है। प्रभु श्री हरि का नाम स्मरण किए बिना मैं जी ही नहीं सकता। सैनिकों, बंदी बना लो इस कुलद्रोही को और डाल दो काल कोठरी में।
यदि अन्य अपराधियों की दशा देखकर भी इससे अपनी भूल समझ न आए तो दंड देने से भी मत चूकना। अब मैं इसका मुख तब देखूंगा जब पश्चाताप इसके हृदय को फिर से निर्मल कर देगा। जाओ इसे। महारानी, परंतु मां, हिरण्यकश्यप तो अपने पुत्र से बहुत अधिक प्रेम करता था और फिर भी अपने एक मात्र पुत्र को प्रभु के नाम का स्मरण करने देने के स्थान पर कारावास का कठोर दंड देने के लिए तैयार हो गया। आगे दिए जाने वाले अनगिनत दंडों में से ये तो केवल एक दंड था गुरु। भगवान के सच्चे भक्त कोई भी अत्याचार सहन कर सकते हैं, किसी भी कष्ट को सह सकते हैं, पर अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ सकते। वैसे ये सब उनकी लीला का ही भाग था, क्योंकि श्री विष्णु के भक्तों को सताना बहुत बड़ा पाप होता है और जितने अधिक पाप हिरण्यकश्यप करता उतनी ही शीघ्र उसके पापों का घड़ा भरता और उतनी ही शीघ्र भगवान उसका उद्धार करने के लिए अवतार ले पाते। फिर क्या हुआ? लेगा श्री हरि का नाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत शीत लग रही है ना तुझे? अब ये हिम के समान शीतल जल ही तेरा दंड है। जब तक तेरी अस्थियां न जम जाएं, तेरी धमनियों में बहने वाला रक्त हिम न बन जाए, तब तक ऐसे ही हिम से स्नान कराऊंगा तुझे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अब तो आप समझ गए ना राजकुमार, यदि आपने अब भी हरि नाम के हट को त्याग कर महाराज को अपना भगवान स्वीकार नहीं किया तो यहाँ क्या होगा आपके साथ? मेरी आंखों में ये आंसू अपने संभावित कष्टों के आभास के कारण नहीं छलके हैं महोदय। मैं तो ये सोचकर दुखी हूँ कि पिताजी कितना बड़ा पाप कर रहे हैं और अपने इन सभी भक्तों को इतने अधिक कष्ट में देखकर मेरे प्रभु स्वयं कितने दुखी होंगे। आप अब भी विष्णु की ही चर्चा कर रहे हैं राजकुमार, और कोई उपाय शेष नहीं है। अब डाल दो इन्हें काल कोठरी के भीतर। प्रभु, कहीं असुर इतने छोटे बालक को भी दुष्कर यातना ना दी। राजकुमार की आयु इतनी कम है कि इनके लिए दो डंडों की मार ही पर्याप्त है। जब कोमल त्वचा डंडों की मार से जलकर लाल हो जाएगी तो नारायण नाम अपने आप इनकी जिह्वा से लुप्त हो जाएगा। प्रभु, 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 प्रभु।
दो डंडों की मार ही पर्याप्त है। जब कोमल त्वचा डंडों की मार से जलकर लाल हो जाएगी तो नारायण नाम अपने आप इनकी जिह्वा से लुप्त हो जाएगा। प्रभु प्रभु, महाराज इस छोटे से फूल समान बालक को कहीं कुछ हो ना जाए, आप इस पर दया कीजिए। मैं इसकी माँ हूं ना, मैं इसे समझाऊंगी। आप माँ हैं तो मैं भी उसका शत्रु नहीं हूं महारानी, पिता हूं मैं, मुझे भी प्रेम है अपने पुत्र से। पर अब प्रेम से समझाने का समय बीत चुका है महारानी, बस एक ही आशा है कि उसे अपनी भूल का आभास शीघ्र ही हो जाए और मुझे उसे और भी कड़ा दंड देने के लिए विवश ना होना पड़े। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव है? राजकुमार हरि का नाम जप रहा है, अर्थात अब बहुत शीघ्र ही प्रभु कष्टों का निवारण करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सारे सैनिक भाग गए। ये अचानक मेरी पीड़ा समाप्त कैसे हो गई? मेरे घाव, मेरी पीड़ा भी समाप्त हो गई। मुझ में ये ऊर्जा कहां से आई? ये सब श्री नारायण का चमत्कार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। इस चमत्कार के बाद तो हिरण्यकश्यप को अवश्य ही समझ आ गया होगा कि प्रभु विष्णु और उनके भक्त दोनों ही कितने शक्तिशाली हैं। जब व्यक्ति में अहंकार प्रवेश कर जाता है तो उसे अपनी भूल आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती, और उस भूल से सीख लेने के स्थान पर वो उससे भी बड़ा अपराध करने के लिए तत्पर हो जाता है। और हिरण्यकश्यप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम
सभी की उत्पत्ति का कारण श्री विष्णु ही है। हम सभी की हर श्वास उनकी कृपा से ही है। बस भी कीजिए महाराज, इतना मदिरा पान करना उचित नहीं। जब तक सैनिक आकर शुभ समाचार नहीं देते, मेरा मन व्याकुल ही रहेगा महारानी। महाराज, महाराज की जय हो। कारागार अधीक्षक, प्रहलाद को अधिक दंड तो नहीं देना पड़ा? अपनी भूल का पश्चाताप तो है ना उसे? महाराज वो कहाँ है मेरा पुत्र? कारागार अधीक्षक, वो ठीक तो है ना? वो पूरी तरह से स्वस्थ है महारानी, और वो ही नहीं अन्य सभी ऋषि मुनि भी कुमार प्रहलाद के साथ अब उत्तम स्थिति में हैं। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? मैं बताता हूँ पिताजी। पुत्र, दंडों की चोट से अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये कारागार से बाहर कैसे आया? कारागार अधीक्षक, क्षमादान से पहले ये कारागार से बाहर कैसे आ गया? पर क्षमा तो उन्हें किया जाता है जिन्होंने अपराध किया हो, पर मैंने और कारागार में बंद ऋषि मुनियों ने कोई अपराध नहीं किया पिताजी। इसलिए नारायण ने हमें हमारे कष्टों से मुक्त कर दिया। फिर वही दुर्वचन, फिर वही शत्रु का नाम। असुरों में मायावी शक्तियां अर्जित करने का सामर्थ्य होता है। अवश्य तुमने भी कोई मायावी शक्ति प्राप्त कर ली है प्रहलाद, पर इससे तुम मुझसे और मेरे दंड से नहीं बच पाओगे प्रहलाद। सैनिक, इसे फिर से कारागार में लेकर चले जाओ। भोजन जल सब बंद कर दो इसका। कड़ी दृष्टि रखो इस पर। जब भूख लगेगी तो भक्ति अपने आप भूल जाएगा। पुत्र, तुम इतना कठिन दंड कैसे सहन कर पाओगे? पिताजी की आज्ञा क्यों नहीं मान लेते? अहंकार के वश में आकर पिताजी अनुचित कर रहे हैं माँ। बात तो इन्हें मेरी माननी चाहिए, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए। नारायण भक्त वत्सल हैं, पीड़ितों के रक्षक हैं। वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। रक्षक है, रक्षा करेगा। देखता हूं कैसे करता है वो तुम्हारी रक्षा। कैसे खिलाता है वो तुम्हें भोजन। अब तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। सैनिक, ले जाओ इसे। जी महाराज। पुत्र, इसके हृदय से उस छलिए नारायण की भक्ति को मैं समाप्त करके ही रहूंगा। फिर क्या हुआ? प्रभु ने प्रहलाद को भोजन खिलाया? भगवान तो भक्त के दास होते हैं गुरु, और फिर सच्चे भक्त को प्रभु कोई भी कष्ट कैसे सहन करने दे सकते हैं? इधर कारागार में
प्रहलाद भूखा था और उधर महल में लीलावती ने जल और भोजन सब कुछ त्याग कर दिया था। प्रभु की भूख ना सताए और मेरा मन आपके ध्यान से भटक ना पाए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। महारानी, भोजन ग्रहण कर लीजिए। पुत्र भूखा है, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी और ना ही जल ग्रहण करूंगी। कम से कम शैया पर तो आ जाइए महारानी। पुत्र भूमि की कठोर शीत सहने पर विवश, तो मैं कोमल सैया में विश्राम कैसे कर सकती हूँ स्वामी? ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती प्रभु, कुछ कीजिए, कुछ भी कीजिए, किंतु इनका कष्ट आप समाप्त कर दीजिए। कब से भूखे हो पुत्र? लो खाना खाओ। जब से मैं यहाँ आया हूँ आपने भी कुछ नहीं खाया है ना? पहले आप खाइए माँ। इतनी छोटी सी आयु में भी कितनी संवेदना है इसमें। प्रहलाद पुत्र, तुम ठीक हो ना? तुम
तुम्हें किसी ने अधिक दंड तो नहीं दिया ना? मैं ठीक हूँ माँ, बस भूख सता रही है। आओ चलो। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेष जात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यार्य नगम्यं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वानि दिव्यस्तवैदेह। तात, विष्णु तुम्हारे पिता के शत्रु हैं, उनकी भक्ति करना छोड़ दो पुत्र। कल प्रातः पिता से क्षमा मांग लेना, वो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं पर विष्णु के प्रति बहुत क्रोध है उनके मन में। मुझे भय है कि यदि तुमने उनका आदेश नहीं माना तो कहीं कुछ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पिताजी को मुक्ति का मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब तक नारायण मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। माँ मुझे सुला दीजिए ना। आओ। प्रभु इतने महान है, वो स्वयं उन दोनों माँ और पुत्र को भोजन कराने चले आए। मैंने कहा था ना गुरु, भगवान भक्त के दास होते, वैसे भी पापी हो या धर्मात्मा, सभी का जन्म परमपिता से ही हुआ है, सभी उन्हीं की संतान है। इसलिए पापी का वध करते समय प्रभु को भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी अपनी संतान का वध करते हुए किसी साधारण व्यक्ति को होती होगी। यदि इस तथ्य को पापी समझ जाए तो उसी पल पाप करना छोड़ दे, पर वो तो अपने परम हितैषी भगवान को ही अपना परम शत्रु समझते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप समझ रहा था। पुत्र प्रहलाद, प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। रात भर भूखे रहकर बुद्धि ठीक हो गई, अब तो नारायण को भूलकर मेरी शरण में आओगे ना? पर मैं भूखा नहीं था पिताजी, माँ ने पेट भर भोजन करा दिया था। ये सत्य है महारानी? क्षमा कीजिए महाराज, पुत्र भूखा है ये जानकर भला कौन मां रह सकती है। मैं जब ये हमारे शयन कक्ष में आकर इसने मुझे बोला कि इसे भूख लग रही है तो मैं शयन कक्ष में। पर माँ आप यहाँ आई थी। प्रहलाद कह रहा है कि महारानी लीला उसे भोजन कराने कारागार में आई थी, और महारानी का कहना है कि प्रहलाद स्वयं हमारे कक्ष में आया था, ये कैसे संभव है?
महारानी मुझसे असत्य भाषण कभी नहीं कर सकती, अर्थात वो छलिया विष्णु ही कल वेश बदलकर यहाँ आया होगा। उस छलिए विष्णु का अस्तित्व मैं सृष्टि से मिटा के रहूंगा, फिर चाहे मुझे अपने पुत्र का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। आप यहाँ आई थी इसी कारावास में? नहीं पुत्र, तुम हमारे शयन कक्ष में आए थे और तुमने मुझे नींद से उठाकर भोजन मांगा था। आपको तो पता है माँ, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। महारानी भी सत्य कह रही हैं और तुम भी। श्री विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता पिताजी। मेरी भूख मिटाने के लिए जरूर उन्होंने ही कुछ चमत्कार किया होगा। भूखी तो मैं भी थी और प्रहलाद ने जितना स्वयं खाया था उससे अधिक मुझे खिलाया था। लीलावती, इसका एक ही अर्थ है, ये सब विष्णु ने ही किया है। मेरे ही विरुद्ध मेरे ही परिवार का उपयोग कर रहा है वो। उसे क्या लगता है पुत्र मोह में पिघल जाऊंगा मैं, उसकी भक्ति स्वीकार कर लूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। विष्णु का नाम जपने वाले को ही मरना होगा, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए स्वामी। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कठिनाइयां सही थी? क्या इसलिए ही मैंने इंद्र से इसके प्राणों की रक्षा की थी कि एक दिन पिता ही इसके प्राणों का शत्रु बन जाए? पिता का हृदय है मेरा, इसे दंड देने में मुझे भी कष्ट होता है, पर स्नेह और कर्तव्य में विजय सदा सम्राट के कर्तव्य की होती है। महारानी, राज नियम का पालन मुझे भी करना होगा। महारानी, महाराज इतना खोर दुख में कैसे सह पाऊंगी? शोक मत कीजिए माँ। पुत्र तुम बालक हो, तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं होगा कि मृत्यु होती क्या है, अन्यथा तुम ऐसी बातें नहीं करते। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है माँ, सभी को मिलनी है। और वैसे भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जन्म के बंधन से इतनी शीघ्र मुक्ति मिल रही है। पिताजी मुझे दंड नहीं उपहार दे रहे हैं माँ, बस एक ही प्रार्थना है, भवसागर से तरकर अब सीधे प्रभु श्री विष्णु के लोक वैकुंठ धाम जाऊं। सैनिकों, ले जाओ इसे, पितृदोषी कुलघाती असुर वंश के अपराधी को, और ले जाकर विक्षिप्त राज के पांव में पटक दो। पुत्र, महारानी चलिए।
अब भी समय है पुत्र, संभल जाओ, अपनी भूल स्वीकार कर लो, अन्यथा ये विक्षिप्त हाथी तुम्हें कुचल देगा और मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पाऊंगा। बालक में इतनी भक्ति, ये सचमुच अविश्वसनीय है प्रभु। ओम नमो नारायणाय। खोल दिए जाए द्वार। सभी का करते हैं, प्राण सभी में भरते हैं, आप रक्षा उनकी करते हैं, जो ध्यान आपका धरते हैं। 14 भुवन में न्यारा सबसे उत्तम आपका विराट पुरुष सर्वशक्तिमान, है विराट पुरुष सर्वशक्तिमान। रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। शांत विक्षिप्त, शांत। ये विक्षिप्त अचानक से शांत क्यों हो गया? कैसे संभव है? उन्मत्त हाथी को भी नियंत्रित कर लिया है तो मेरा पुत्र ही। राजकुमार प्रहलाद की जय! 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 मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है। जय जयकार करना है तो उन्हीं का करो, मेरे प्रभु का, मेरे प्रभु नारायण का। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जो अकल्पनीय था वो घटित हो गया ना, बोलिए ना, आपने मेरे पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया ना,
मार दिया ना उसे, मेरी कोख उजाड़ दी ना। बोलिए ना, अब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ, पुत्र, पुत्र, पुत्र प्रहलाद। आप असुर वंश के इस अंकुर को कुछ नहीं होने देंगे। आप कितने भी क्रोधित हो जाए, पिता है, रक्षा तो करेंगे ही ना। अभी कुछ क्षण पहले तो आप मुझे अपने पुत्र का हत्यारा समझ रही थी, अब कह रही हैं कि आपको विश्वास था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। विक्षिप्त राज राजसी हाथी था, वर्षों तक उसने प्रणाम किया है, मुझे माला पहनाई है, मुझे राजकुमार को बाल अवस्था से मेरे साथ देखा है, इसलिए उसकी स्वामी भक्ति जाग गई, इसलिए उसने कुचलने के स्थान पर इसे प्रणाम कर दिया। पिताजी सत्य कह रहे हैं माँ, मेरी रक्षा इन्होंने नहीं, मेरे श्री नारायण ने की। ये क्या कह रहे हो प्रहलाद, बस करो, अपने पिताजी को और क्रोधित मत करो। इनके शत्रु का नाम लेकर खुद पे कड़ाई करने के लिए और दंड देने के लिए विवश मत करो। क्या तुम्हें मेरे आंखों में अश्रु देख प्रसन्नता होती है क्या? मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता माँ, बल्कि मैं तो आपको अपने प्रभु के चरणों में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ केवल और केवल सुख है, अथा शांति है। सैनिक, इसे शांति चाहिए। मैंने सुना है काल कोठरी में बहुत शांति होती है, ले जाओ इसे। पुत्र के बीच निरंतर बढ़ती हुई इन दूरियों को मैं कैसे पाट पाऊंगी और कब? ये प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है माँ। देवी लीलावती चक्की के दो पाटों के बीच में पिस रही थी, उनकी इस पीड़ा का अंत कब होना था माँ? प्रभु श्री नारायण और मेरे लिए भी एक माँ की ऐसी भीषण पीड़ा सहना असंभव हो चला था, और फिर वो समय आ गया जब उस दुष्ट का उद्धार हो, ताकि इस पूरे संसार को हिरण्यकश्यप के आतंक से मुक्ति मिले। एक बार फिर प्रभु के इस कार्य में नारद मुनि उनके सहायक बने। ओम नमो हिरण्याय। आ गए नारायण के पक्षपाती, मेरे घाव पर नमक छिड़कने। अपने हितैषी पर ऐसा आरोप? आप तो जानते हैं त्रिलोक विजेता, सब ठीक हो ये सुनिश्चित करना ही मेरा कर्तव्य है, किंतु आपकी हिरण्य नगरी में, आपके मन मस्तिष्क में चिंता के जो बादल उमड़ आए हैं उनका आभास है मुझे। जिसका पुत्र ही उसके चिर शत्रु की प्रशंसा करता हो, उसके वर्चस्व को तो कम होना ही है। सत्य कहा भगवान, जिसका इतने प्रेम से पालन पोषण किया, जिसको गोद में बिठाया, वही आज शत्रु बन बैठा। ऐसे पुत्र को तो पुत्र नहीं, मेरी आस्तीन में छिपा सर्प है वो, उसका दमन भी वैसे ही करना चाहिए जैसे। नारद मुनि, भले ही तुम विष्णु के पक्षपाती हो,
पर जब भी आते हो मेरी समस्या का समाधान दे ही जाते हो। धन्यवाद। अब आपकी सेवा में सदैव उपस्थित हूं। ओम नमो हिरण्याय, ओम नमो हिरण्याय, ओम नमो हिरण्याय, ओम नमो हिरण्याय, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नागपालक, क्या ये सर्प सच में बहुत विषैला है क्या? सृष्टि में इससे भयानक नागों की जाति में और कोई नहीं है। ये इतना विषैला है कि इसकी सांसों में मानो स्वयं हलाहल कालकूट भरा हो। अब राजकुमार का क्या होगा? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे नाग देवता, आप मेरे प्रभु विष्णु का आशीर्वाद बनकर आए हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असत्य कह रहे हो तुम। इतना भयानक विषधर अपनी सहज प्रवृत्ति छोड़कर प्रहलाद को डसने के स्थान पर शिव शंकर की तरह उसके कंठ में सुशोभित हो जाए, ये कैसे संभव है? क्षमा कीजिए महाराज, ये तो हमें भी नहीं पता कि ये कैसे संभव हुआ। किंतु इतना तो निश्चित है महाराज, राजकुमार अवश्य चमत्कारी हैं, अन्यथा हमारे इतने दंड देने के प्रयास असफल कैसे होते? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मैं जानता हूं उसे दंड देने के सभी प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुम सबकी दृष्टि में अब भी वो राजकुमार ही है। इसी कारण उस पर हाथ उठाते हुए तुम्हारे हाथ कांप जाते हैं, उसे हानि पहुंचाते हुए तुम्हारा हृदय दहल जाता है, और तुम सब हिचक कर से कड़ा दंड नहीं दे पाते। पर ऐसी कोई व्यवस्था मेरे संकल्प को नहीं बदल सकती। अब इस कार्य का दायित्व उसे ही सौंपूंगा मैं, जिसने मेरा विश्वास आज तक भंग नहीं किया। अब उसी के हाथों होगी प्रहलाद की मृत्यु। हे प्रभु, मेरा जी विचलित हो रहा है ये सोचकर कि अब ये क्या कुकर्म करेगा ये दुष्ट असुर इस नन्हे से बालक के साथ।